बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। कौशाम्बी में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने गुड्डू गद्दी को हिरासत में लिया है और करारी थाना क्षेत्र के नेवारी गांव का गुड्डू गद्दी है, माफिया अतीक के करीबी इसको बताया गया। और पुलिस अब कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि गुड्डू गद्दी को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से गिरफ्तारी हुई है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई गुड्डू गद्दी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इससे पहले पुलिस कई टीमों के साथ, पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं, फिलहाल ये बड़ी अपडेट आई है। और उसी के साथ ये जो छापेमारी हुई है, अब इसमें एक और गुर्गे को हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से, और इसका नाम बताया गया कि गुड्डू गद्दी है जिसे हिरासत में लिया गया है, और ये अतीक का करीबी है। माफिया अतीक का करीबी बताया जा रहा है गुड्डू गद्दी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। करारी थाना क्षेत्र के नेवारी गांव का रहने वाला है गुड्डू गद्दी। पुलिस ने इसे उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में हिरासत में लिया है। अतीक के गुर्गों पर लगातार पुलिस की छापेमारी जारी है और इसी सिलसिले में गुड्डू गद्दी नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये अभी वीडियो आपको जी न्यूज ने दिखाया था, जो ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें असद कैसे उमेश पाल के साथ दोनों की हाथापाई भी हो रही है, उमेश पाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही वीडियो है। और इसी के साथ पुलिस की कई टीमें, एसटीएफ की कई टीमें हैं, 15 से 20 टीमें बनाई गई हैं, जो ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। और अभी जो बड़ी खबर है इस पूरे मामले में, इसके अलावा वो ये है कि कौशाम्बी में अतीक के गुर्गों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, गुड्डू गद्दी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये अतीक का करीबी बताया जा रहा है। तो अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक ओर जहां उसके परिवार वालों का नाम इसमें सामने आने के बाद उनके खिलाफ इनाम का ऐलान किया गया है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी इनामी इसमें घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं और अलग अलग किरदार इस हत्याकांड से जुड़ते हुए जो सामने आ रहे हैं, उन सभी के ऊपर शिकंजा कस रही है पुलिस। सीसीटीवी वीडियो उसी हत्याकांड का है, उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को जिसे अंजाम दिया गया था, और ये तस्वीर सबसे लेटेस्ट सामने आई है जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। इसमें हत्याकांड में बाहर के बाद जो अंदर भागते हैं उमेश पाल, तब की ये तस्वीर सामने आई है। तो इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट भी है, जिस सीसीटीवी का हम जिक्र कर रहे हैं आपको लगातार दिखा रहे हैं, वही इसमें एक और अपडेट है कि आप इस सीसीटीवी में देखेंगे असद फायरिंग करता हुआ दिख रहा है, ये बड़ी खबर है। उमेश पाल और असद में हाथापाई भी हुई थी, गोली लगने के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई थी, तस्वीरें बता रही है। पहले उमेश पाल को जब बाहर घेरा गया, उन्हें गोली लगी और उसके बाद वो भाग करके गली में घुसते हैं, और गली के अंदर का ये सीसीटीवी सामने आया है। यहां असद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, वो नजर आया है फायरिंग करते हुए, उमेश पाल के ऊपर हमला करते हुए। इसी दौरान जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी भागते हुए नजर आ रहे थे, और तभी अचानक एक बम फूटता है और इसके बाद सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। ये प्रयागराज की 24 फरवरी की वारदात का सीसीटीवी वीडियो एक और सामने आया है। सीसीटीवी वीडियोस इस हत्याकांड में अहम रोल निभा रहे हैं पयोधी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, जो पहली गोली चलाई थी उस्मान, उसे खुद ढेर कर दिया गया है। नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, ये जो छापेमारी हुई है, पहले इसको लेकर आप अपडेट दीजिए। कहा गया कि गुड्डू गद्दी है जिसे हिरासत में लिया गया, कौन है ये और क्या डिटेल है? देखिए, जो गुड्डू गद्दी हिरासत में लिया गया है वो अतीक का करीबी बताया जा रहा है, और अब उससे पूछताछ की जा रही है, अहम सुराग उससे संभाले जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये घटना का आखिरी वीडियो सामने आया है, ये वीडियो खासतौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से घटना होती है और घटना के बाद जो सबसे सामने आकर जिसकी चर्चा हो रही थी कि लगातार कि आखिर अतीक का जो बेटा है वो किस तरह से हाथापाई होती है, और नीतीश आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो ये तस्वीरें सामने आई है किस तरह से अतीक के बेटे असद का नया वीडियो सामने आया है उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश के ऊपर जब हमला किया गया, उसके कुछ ही पलों बाद जब वो गली के अंदर भागे थे, तो गली के अंदर क्या हुआ था ये इस लेटेस्ट सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है। गली के अंदर वो भागते हैं और असद उनके पीछे जाता है, अतीक अहमद का बेटा असद। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई होती है, सुरक्षाकर्मी लगातार वहां गोलीबारी के बीच और बमबारी के बीच भागता हुआ नजर आता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उमेश पाल ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माफिया ये जो शूटर्स थे ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, प्लानिंग के साथ आए थे कि किस तरफ वो भाग सकते हैं, उसके लिए भी पूरी तैयारी थी। तो आप इस वीडियो के जरिए समझिए,
गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा था सफेद कमीज में, हमने आपको दिखाया लगातार उसका वीडियो सामने भी आया, और उसके साथ ही असद, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये दोनों साथ में छिपे हैं, क्योंकि जो बीच में इनकी लोकेशन ट्रैक की गई थी उसमें नेपाल में इनकी लोकेशन समझ में आई थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम नेपाल के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वहां ये मिले नहीं, कोई भी इनपुट वहां पर नहीं मिला। लेकिन पुलिस लगातार यही कह रही है क्योंकि 13 सिम कार्ड, 13 मोबाइल, माफ कीजिएगा 16 सिम और 16 मोबाइल बदले थे, सबके पास अलग अलग सिम अलग अलग मोबाइल हैं, और सबके इस वक्त मोबाइल स्विच्ड ऑफ है, किसी का कोई भी मोमेंट समझ नहीं आ रहा। इसलिए भी बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए और एसटीएफ की टीम के लिए कि कैसे इनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाए। और अब ये जो वीडियो सामने आया है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जो लगातार ये कहती रही कि उनके पति और बेटों को फंसाया जा रहा है, वो तो नदारद थे, वो इस हत्याकांड में शामिल ही नहीं थे, अब खुद शाइस्ता परवीन भी रडार पर है, क्योंकि अतीक के गुर्गों के साथ कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, कई ऐसे फोटो सामने आए हैं जो इस वारदात से पहले के हैं, जिसे लेकर अब शाइस्ता परवीन पर भी इनाम की घोषणा हो चुकी है। Z News.